हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गैस टंकी से हुआ विस्फोट, मकान में लगी आग, कीमती सामान सहित बाइक आग की भेंट चढ़ी। पुत्री के शादी को लेकर दस्तूरी करने मेहमान आने वाले थे, परिवार वाले तैयारियों में जुटे हुए थे। सांडेरा गांव में बाखली भांस मोहल्ले में सोमवार सुबह 5 बजे करीब एक रहवासी मकान में चाय बनाने के बाद मेहमानों के लिए लापसी बनाने की तैयारी करते समय अचानक गैस टंकी आग भभक गई। मकान मालिक ने आनंद फानन में गैस टंकी व चूल्हे को रसोई घर से बाहर चौक में फेंका, मगर आग बढ़ती गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मकान में पड़ा कीमती सामान सहित बाइक, LCD, गेहूं की बोरियों में आग लग गई। समाज सेवी जयदेव सिंह रणावत तुरंत मौके पर पहुंच मोहल्ले के लोगों के साथ बाल्टी मटकों से पानी व रेत डालकर आग पर काबू पाया, मगर तब तक मकान का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस व दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, जब तक गांव के लोगों ने बड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। इस दौरान मकान मालिक भूरा राम कुमावत आग से झुलस गया, जिसे तुरंत प्रभाव से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया। परिवार के सदस्य ने बताया कि सरोज की 17 फरवरी को शादी होनी तय थी, उसकी दस्तूरी करने के लिए आज सुबह घर पर मेहमान आने वाले थे, जिसको लेकर खाने की तैयारियों में लगे हुए थे परिवार के सदस्य। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने पीड़ित परिवार को कुशलक्षेम पूछते हुए हर संभव मदद करने को कहा। उन्होंने तुरंत प्रभाव से सुमेरपुर SDM तहसीलदार को घटना की जानकारी दी। शादी से पहले दुल्हन की आंखों में आंसू, 17 फरवरी को है शादी, गैस सिलेंडर लीकेज से घर में लगी आग, दहेज का सामान, कपड़े, गेहूं जले, पिछले दरवाजे से भागकर बचाई जान। 17 फरवरी को बेटी की शादी तय थी, मंगलवार को ससुराल पक्ष के लोग गहने लेकर आने वाले थे, परिवार इसकी तैयारियों में जुटा था। सुबह गैस सिलेंडर पर भट्टी लगाई चढ़ा लापसी बनाने की तैयारी कर रहे थे, इस दौरान सिलेंडर लीकेज होने से घर में आग लग गई। देखते ही देखते घर में रखी बाइक, दहेज का सामान, कपड़े, बिस्तरों तक आग पहुंच गई। दिन में सो रहे बच्चों को उठा इस परिवार ने घर के पिछले दरवाजे से भागकर जान बचाई। बच्चों को घर से बाहर निकालने के दौरान भूरा लाल कुमावत के हाथ व चेहरा तक झुलस गया। उन्हें मलाल था कि सूचना देने के बाद भी समय पर ना तो दमकल पहुंची ना पुलिस। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया, तब तक बेटी के लिए लाया गया दहेज व घरेलू सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। खुशियां मातम में बदलते देख परिवार के मुखिया भूरा लाल की आंखों में आंसू थे। 17 फरवरी को बेटी की शादी है, आग में सब कुछ जल गया, ऐसे में वो बेटी के हाथ पीले कैसे करेगा। आग की ये घटना पाली जिले के सांडेराव गांव में रहने वाले भूरा लाल कुमावत के घर पर सोमवार सुबह करीब 5:15 बजे हुई। भूरा लाल की 26 साल की बेटी सूरज कुमारी की शादी 17 फरवरी 2022 को होनी है। आज 31 जनवरी 2022 को रानी से सूरज कुमारी के ससुराल पक्ष के मेहमान गहने आदि लेकर सांडेराव भूरा लाल के घर आने वाले थे, ऐसे में परिवार सुबह से ही इसकी तैयारियों में जुटा हुआ था। सूरज कुमारी व उसके पिता भूरा लाल गैस सिलेंडर पर छोटी भट्टी लगा रहे थे, जिससे कि उस पर खाना जल्दी बनाया जा सके। इस दौरान भूरा लाल की पत्नी लापसी बनाने की तैयारी कर रही थी, अचानक गैस सिलेंडर लीकेज हो गया। ये देख भूरा लाल उनकी पत्नी व बेटी घबरा गए। इतने में आग आसपास के कपड़ों व बाइक तक पहुंच गई। वे कुछ समझते इससे पहले आग से घर में धुआं ही धुआं हो गया। सूचना पर भी दमकल कर्मी समय पर नहीं पहुंचे। मारवाड़ गोड़वाड़ जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जयदेव सिंह रणावत सहित अन्य ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बच्चों को बचाने में झुलसे भूरा राम अचानक लगी आग से घर में धुआं ही धुआं हो गया, जिससे उनका दम घुटने लगा। जैसे तैसे कर भूरा लाल ने अपनी पत्नी व बेटी को घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला, फिर नींद में सो रहे बच्चों को जगाकर उन्हें भी बाहर निकाला। इस दौरान वे आग की चपेट में आ गए, जिससे उनके हाथ व चेहरा झुलस गए। दुल्हन के कपड़े, LCD, बाइक सब कुछ जला।
छह बच्चों के पिता भूरालाल कुमावत बीपीएल परिवार से हैं। बेटी सूरज कुमारी की शादी उन्होंने रानी गांव निवासी निर्मल कुमार से 17 फरवरी को तय कर रखी थी। बेटी की शादी के लिए उन्होंने हाल में कुछ सामान व नए कपड़े बेटी के लिए खरीदे थे। सोमवार सुबह अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने से घर में रखी बाइक, LCD सिलाई की मशीन, दुल्हन के लिए खरीदे नए कपड़े, 5 बोरी गेहूँ सहित अन्य घरेलू सामान, घर की लाइट फिटिंग आदि जल गई। जागरूक टीवी की सांडे राव से नटपर मेवाड़ा की रिपोर्ट।